नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के अंतर्गत अमलोरी परियोजना के सीजीएम ऑफिस गेट पर आए हुए हैं। सीजीएम ऑफिस गेट पर गजराज माइनिंग कंपनी के जो है वर्कर आंदोलन पर उतरे हुए हैं, जो कि सभी वर्कर सीजीएम ऑफिस गेट पर हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं, ये इंटर ट्रेड यूनियन के बैनर तले जो है स्ट्राइक पर उतरे हैं। इंटर ट्रेड यूनियन के नेता हमारे साथ खड़े हैं, आइए हम इनसे मिलवाते हैं कि इनकी किन समस्याओं को लेकर जो है आंदोलन पर उतरे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे मजदूर के समक्ष आज पूरे एनसीएल में जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां ने अपना एरियर बना के दे दिया मजदूरों को, लेकिन एक कंपनी जो गजराज कंपनी है, इसका मालिक इतना जबरदस्ती शोषण करने का प्रयास कर रहा है मजदूरों के साथ, जो कि कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जिस तरह से यहाँ का प्रबंधन जो है, अमलोरी प्रबंधन, अगर चाहे तो ये एक घंटे एक मिनट में सॉल्व हो जाए, लेकिन ये प्रबंधन भी मिली भगत गजराज कंपनी के मालिक से मिली भगत करके मजदूरों का शोषण करना चाहती है। कई ऐसे हमारे मुद्दे हैं जो कि मैंने कह भी चुका है, जैसे बताया कि सीएमपीएफ का मुद्दा है, सीएमपीएफ हमारा ईमानदारी से सही रूप में हमारा दें। दूसरा मुद्दा हमारा हाजिरी, मजदूरों का हाजिरी बिना ना है, बिना कसूर का, अगर आपने थोड़ा भी अगर मान लीजिए डिसिप्लिन अगर नहीं किया, थोड़ा भी उसको मेकअप नहीं किया, तो आपका तुरंत हाजिरी काट जाती है और काम से निकाल दिया जाता है। बड़ी दुख की बात है, इस भारतवर्ष में स्वतंत्रता सबको है, लेकिन आज स्वतंत्रता का हनन हो रहा है इस विशेष तौर में एक गजराज कंपनी के मार्फत से, साथ में आपका महाप्रबंधक अमलोरी मिली भगत के साथ गजराज कंपनी का मालिक यहाँ का दादागिरी पे उतारू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गजराज कंपनी द्वारा ड्यूटी करा लिया जाता है, लेकिन उसमें से भी हाजिरी काट दिया जाता है और सितंबर माह 2018 से बड़े हुए एटीसी वेजेस का पेमेंट का डिफरेंस मनी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि जो है पीएफ का सही हिसाब किताब नहीं किया गया है। इनके द्वारा जो है एनसीएल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि जो है एनसीएल प्रबंधन का भी मिली भगत से जो है वर्करों का शोषण हो रहा है। आइए, गजराज कंपनी के श्रमिक हमारे साथ बने हुए हैं, आइए हम इनसे जानवाते हैं जिनकी क्या समस्या है, जिन समस्याओं को लेकर यह आंदोलन पर उतरे। मैं इंजीनियर पांडे सिंगरौली का रहने वाला हूँ। एनसीएल के आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट में गजराज कंपनी में कार्य करता हूँ, डंफर ऑपरेटर का कार्य करता हूँ। इस कंपनी में शोषण हो रहा है, हाजिरी पूरा नहीं दी जाती है, पूरा महीने भर हाजिरी करा करके कुछ पैसा काट करके दिया जाता है, एरियस नहीं दिया गया है, जो एरियस के भुगतान अन्य कंपनी आउटसोर्सिंग वाले कर चुके हैं, और अगर कुछ थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो तुरंत बाहर कर दिया जाता है, स्टाफ लगा दिया जाता है, एक दिन किसी कारणवश इमरजेंसी में नहीं आने से तुरंत उसको स्टाफ लगाया जाता है, भगाया जाता है। भी जो है हमारे भाई विद्युत वहाँ के जो डंपर ऑपरेटर हैं, उनको जो है पिछले 2 महीने का पेमेंट नहीं मिला हुआ है। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का पेमेंट दिया जाए, एडीएस दिया जाए और सही समय पर चिन्हित कराया जाए। पीएफ हमारा 3 साल से कर रहे हैं, अभी तक पीएफ नंबर नहीं मिला। आप देख सकते हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 3 साल से ये गजराज माइनिंग कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं, पीएफ की कटौती हर महीने की जा रही है, लेकिन पीएफ का पैसा कंपनी काटती है, लेकिन पीएफ ऑफिस में जमा नहीं किया है। और इनके द्वारा बताया गया कि महीना भर हाजिरी कराया जाता है, लेकिन उसमें भी कटौती कर लिया जाता है, जैसा एटीसी वेजेस के पेमेंट के डिफरेंस मनी का भी बात इनके द्वारा की गई है। ये आज जो है अमलोरी प्रोजेक्ट में गजराज माइनिंग कंपनी द्वारा ओबी हटाने का काम किया जा रहा है, उस कंपनी के श्रमिक आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर इंटर ट्रेड यूनियन के बैनर तले आज स्ट्राइक पर उतरे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन वंशमणि द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, टुडे 24 न्यूज, सिंगरौली।